फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरत। आप देख रहे हैं आप ही का फेवरेट चैनल स्मार्ट शरत टेक। फ्रेंड्स, आप लोग का रिक्वेस्ट रखते हुए मैं कुछ फार्मा सेक्टर लेके आया हूँ, जैसे कि आप लोग को अभी का मूवमेंट, अभी का टाइम में और भी ऊपर जाने का दमकम रखते हैं ये चार शेयर। इसका नाम जैसे कि आप लोग को सामने है, अरविंदो फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क और सन फार्मा। ये चारों कंपनी में मैंने नहीं दे रहा हूँ टारगेट फ्रेंड्स, CLSA जो कि ग्लोबल इक्विटी एंड रिसर्च फर्म, जो कि आप लोग बोल सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल इक्विटी फर्म। ये क्या बोले हैं, जे एक टारगेट दिए हैं, बिग टारगेट ये चार फार्मा स्टॉक ऊपर। जैसे कि आप लोग का रिक्वेस्ट था, सर हम लोग को फार्मा शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, कौन सा शेयर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये CLSA का जो रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप ये चार कंपनी का ऊपर दाव लगाते हो, आपको टारगेट क्या मिलेगा, हम लोग ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल में कोई न्यू व्यूअर्स है, कोई फर्स्ट टाइम मेरा चैनल रीड कर रहे हैं, वो लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और लाइक कमेंट शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। और एक फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो मेरे साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, जो कि इंडिया का नंबर वन ब्रोकर जीरोधा के साथ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक में अगर क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो मैं मेरा सपोर्ट टीम में आपको ज्वाइन करूंगा, जिधर कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे कॉल मिलता है, जो कि बिना पैसा गवाते हुए। और साथ ही साथ आपका कोई भी शेयर के ऊपर कुछ भी इश्यू रहेगा, क्यूरी रहेगा, आप मेरे से डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हो। जो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली ये चार फार्मा स्टॉक के ऊपर, जो कि आप लोग का रिक्वेस्ट था जो सर क्या करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने लेकर आया हूँ सिप्ला। सिप्ला शेयर का आज का दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 587 रुपीज़ के ऊपर। और ये सिप्ला को लेकर बुलिश कौन है ना, CLSA बुलिश बहुत ही है। वो क्या बोल रहे हैं, सिप्ला का जो दिए है टारगेट दिए है करंट लेवल से बाइंग के लिए दे रहे हैं, और वो बोल रहे हैं अभी उसका जो ओल्ड टारगेट दिए थे 480 रुपीज़, जो कि वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, और न्यू टारगेट दे रहे CLSA 720 का। अगर अभी से आप देखोगे ये 22% का ऑफसाइड जाने का दम रखता है सिप्ला, ये CLSA ने बोल रहे हैं। सेकेंड स्टॉक आप लोग के सामने ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क आज का दिन में भी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 3 पॉइंट अप मूव के साथ क्लोजिंग दिया है, जो क्लोजिंग प्राइस है 336.50 रुपीज़ का। और CLSA ने इसका ऊपर भी बुलिश है, वो दे रहे हैं CLSA ने ग्लेनमार्क के ऊपर, जो देखिए फ्रेंड्स ग्लेनमार्क का ऊपर वो जो करंट प्राइस दे रहे थे 335 रुपीज़ का, और उनका कोल्ड जो रेटिंग था उनका बाइंग, न्यू जो रेटिंग दे रहे हैं वो भी रेटिंग दे रहे हैं, बाइंग का रेटिंग दे रहे हैं, और ओल्ड टारगेट था 390 का, और अभी उसको चेंज करके न्यू टारगेट कर दिए है 440 रुपीज़ का। और इधर से आप अगर देखना चाहोगे अभी से ऊपर ऑफसाइड भागेगा तो ये शेयर 31% का ऑफसाइड भागने का दम रखता है, वो CLSA ने बोल रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो है सन फार्मा, आपका बहुत ही फेवरेट शेयर मुझे मालूम है, मेरे भी बहुत फेवरेट शेयर है। आज का दिन में भी वो 3.5 पॉइंट का गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया 465.50 रुपीज़ का। बट CLSA का मानना यही है, जे CLSA ने ये मानते हैं जे सन फार्मा जो कि इंडियन फार्मा स्टॉक सेक्टर में लीड टॉप वन जो है, आप इसको मान सकते हो, जो कि मार्केट लीडर जो बोलते हैं सन फार्मा। तो सन फार्मा का ऊपर ये 470 का ऊपर वो बोल रहे बाइंग करो, और ओल्ड टारगेट है उनका था, रेटिंग था बाइंग का, अभी भी न्यू जो रेटिंग दे रहे वो भी बाइंग का दे रहे, ओल्ड टारगेट 520, अभी उसको चेंज करके
सन फार्मा में बहुत ही बुलिश है, 590 का टारगेट दे रहे, ऑफसाइड भागेगा इधर से 26% का ऑफसाइड भागने का CLSA ने बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि नेक्स्ट स्टॉक है अरोबिंदो फार्मा, जो कि आप लोग का बहुत ही फेवरेट है मुझे मालूम है। तो 664 का क्लोजिंग है आज, 11-12% पॉइंट का पॉजिटिव रिटर्न दिया है आज का दिन में अरोबिंदो फार्मा ने। तो CLSA ने इसका ऊपर क्या रेटिंग दे रहे हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स अरोबिंदो फार्मा का ऊपर CLSA का रेटिंग बाइंग है, ओल्ड रेटिंग भी बाइंग था, अभी का जो रेटिंग न्यू रेटिंग दे रहे वो भी बाइंग दे रहे हैं, और ओल्ड टारगेट जो दिए थे हम लोग अचीव तो कर ही लिए 520 का, और न्यू टारगेट जो दे रहे 790 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स अभी से ये कितना भागेगा और भी देखेंगे, तो 21% भागने का दम रखता है अरोबिंदो फार्मा बोल रहे CLSA में। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लिए अभी कौन सा स्टॉक कितना कितना भागेंगे। तो आशा करता हूँ अगर आप लोग का इसका ऊपर इन्वेस्टमेंट, इसका ऊपर आपका कोई खरीदारी करने का राय है, तो एक बार आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेंगे उनका सलाह मशवरा करके कोई भी कदम उठाइए, और ख़ुद को अगर एनालिसिस करते होगे तो एक बार खुद ही एनालिसिस कीजिए कौन से ऊपर आपको बाइंग करना है। तो ऐसा बोलूँगा नहीं कोई भी एक स्टॉक में आप नहीं बैठिए, अगर आपको लेना है तो इसको हर स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे तो मेरे ख्याल से आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका अच्छा ही रहेगा। शायद अगर कोई स्टॉक में डाउन ट्रेंड आता है 3 स्टॉक आपको खींच के ऊपर तक लेके जा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।